वेलकम टू जे सिटीजन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर दानिशर खान और आज मैं आपके लिए प्रीमियर के लिए कोर क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्रीन स्प्लिट किस तरह करते हैं Adobe प्रीमियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ वीडियोस हैं और यहाँ जो हमारे प्रोजेक्ट विंडो है इसमें भी आपको कुछ फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, उसी में हमारे पास सारी वीडियोस हैं और टाइमलाइन के ऊपर भी आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें से कुछ वीडियोस के साथ ऑडियो भी है, जैसे कि ये वीडियो इसके साथ ऑडियो भी अटैच है। सो हम इन सबको पहले सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से अनलिंक कर देंगे। अनलिंक करने के बाद अब हमारी ऑडियो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो को हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी मीन्स वीडियो, ए मीन्स ऑडियो। सो हम ऑडियो को जस्ट सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद FX कंट्रोल में आएंगे हम और यहाँ से फर्स्ट वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। इसका स्केल हम यहाँ से छोटा कर देंगे, 100% है, इसे हम 50% कर देते हैं स्केल को और इसकी पोजीशन को हम लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे। सो ये वीडियो जो क्लिप है हमारा वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो है, इसे भी हम लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। सो ये टॉप बॉटम से टॉप से अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो जो है, सेकंड वीडियो को भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसका स्केल 50% कर देंगे और इसकी वैल्यू को, जो फर्स्ट वाली वैल्यू का, इसे हम राइट साइड की तरफ ट्रैक करेंगे। सो ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगी ये वीडियो। ठीक है, इसके बाद जो इसकी सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को हम लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन करेंगे ताकि टॉप से अटैच हो जाए। ठीक है, इन दोनों क्लिप को एडजस्ट करने के बाद हम थर्ड क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और इसका स्केल भी 50% कर देंगे और इसकी पोजीशन भी हम लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन करने के बाद इसकी सेकंड वैल्यू है, उसे हम राइट साइड की तरफ ट्रैक करेंगे। ठीक है, राइट साइड की तरफ जैसे ही वैल्यू बढ़ाएंगे सो ये नीचे बॉटम की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ वीडियो क्लिप है, उसे भी सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू हम 50% कर देंगे। ठीक है, और इसे, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, इसे हम राइट साइड की तरफ ट्रैक करेंगे ताकि राइट साइड की तरफ मूव हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू है, इसे भी हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे ताकि ये बॉटम से अटैच हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी वीडियो क्लिप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी वीडियोस आप अपलोड करेंगे उन वीडियो का साइज़ सेम होना चाहिए, 90:20x1080 हो या जो भी साइज़ होगा वो साइज़ सब वीडियो का सेम साइज़ होना चाहिए और सबकी जो टाइमलाइन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी की टाइमलाइन ज़्यादा है तो उसे आप मैन्युअली ड्रैग करके यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद हम यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक पाथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ एक पाथ ऐड कर देंगे। अच्छा, पाथ को हम यहाँ से पहले एडजस्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड की तरफ और टाइमलाइन के स्टार्ट में हम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी जो जूम है इसे हम 25% कर देते हैं ताकि हमारा पाथ जो है वो बिल्कुल ठीक से ड्रॉ हो सके। सो मैं दोबारा पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पाथ को यहाँ तक मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, पाथ को ड्रॉ करने के बाद, मतलब पाथ लगाने के बाद, हमारे पास यहाँ शेप शो हो रहा है। शेप के ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल ऑफ करेंगे और इसका स्ट्रोक ऑन करेंगे। स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ है, इसे हम क्लिक करके वैल्यू 12 या 15 कोई भी वैल्यू आप एडजस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कलर हमें चेंज करना हो वो आप क्लिक करके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अच्छा, उसके बाद हम पेन टूल दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इस पाथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये अब हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम इसे फिट कर देते हैं, फिट टू स्क्रीन। अब हम अपनी वीडियो को यहाँ से प्ले करेंगे। सो इस तरीके से हम अपनी वीडियोस को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ कि अभी जो हमारी वीडियोस हैं वो आप देखिएगा काफ़ी, मतलब ये जो पाथ का ग्राफ है काफ़ी आगे जा रहा है, सो इसे भी हमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, से भी मैंने एडजस्ट कर लिया। अब दोबारा से मैं वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ आपको।
ठीक है। सो हमारे इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट वीडियो स्क्रीन स्प्लिट हो गई। अब हम सेकंड वीडियो पे आते हैं, ठीक है। सेकंड वीडियो में आने के बाद मेरे पास यहाँ तीन वीडियोस है, तीन डिफरेंट वीडियोस है, लेकिन तीनों की टाइमलाइन सेम है, ठीक है। टाइमलाइन भी सेम है और रेजोल्यूशन भी सेम है। तो इस पर भी हम वही चीज़ करेंगे, हम फर्स्ट वाली वीडियो जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स में से यहाँ हम क्रॉप को सर्च करेंगे, ठीक है। क्रॉप को सर्च करने के बाद क्रॉप को ड्रैग करके हम अपनी फर्स्ट वीडियो पे अप्लाई करेंगे और यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं क्रॉप के, ठीक है। लेफ़्ट साइड से हमें इसे क्रॉप करना है, 25% हम इसे क्रॉप कर लेते हैं लेफ़्ट साइड से, ठीक है। ये हमारी वीडियो लेफ़्ट साइड से क्रॉप हो गई। और राइट साइड से हमें कितना क्रॉप करना है वो भी हम 25% इसे क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो क्रॉप हो गई। हम जस्ट सिंपल इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, सो हम इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, ये हमारी पोजीशन इसकी यहाँ एडजस्ट हो गई। अब हम सेकंड वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और इसका स्केल साइज़ हम 50% कर देंगे और इसकी पोजीशन भी हम चेंज करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो क्लिप में फर्स्ट सीक्वेंस में हमने किया था, ठीक है। इसे हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। फिर हमारी थर्ड वीडियो है उसे सेलेक्ट करके उसके स्केल का साइज़ भी हम 50 कर देंगे और इसे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करने के बाद अब सेकंड वीडियो को हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, ये हमारी यहाँ एडजस्ट हो गई। अब इसमें भी हम अगेन वही चीज़ अप्लाई करेंगे, पेन टूल लेंगे और यहाँ से एक पाथ ड्रॉ करेंगे, ये एक पाथ हमारी ड्रॉ हो गई। हम यहाँ से जूम जो है 25% कर देते हैं इसका, ठीक है। 25% करने के बाद अगर हमें इसकी शेप जो है उसकी कलर वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक चेंज करना है, स्ट्रोक हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ 25% कर देते हैं। 25% करने के बाद हम अपनी पाथ को दोबारा सेलेक्ट करके पाथ को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाथ सेलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, सो मैं इसे अंडू कर देता हूँ और मैं अपना पाथ थोड़ा आगे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम जितने एरिया को चाहें कवर कर सकते हैं। सो हमें फिलहाल मैं नई स्क्रीन जूम आउट इसी वजह से किए ताकि हम पाथ की सिलेक्शन ठीक से प्रॉपर कर सकें, ठीक है। सो हमारी जो सेकंड वीडियो थी, अच्छा उसके जो पाथ है उस पाथ को भी हमें टाइमलाइन पे सेलेक्ट करना होगा, इसे इक्वल करना होगा, ठीक है। इक्वल करने के बाद यहाँ से हम फिर टू स्क्रीन कर देंगे और स्क्रीन करने के बाद अब हम यहाँ अपनी वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी दूसरी वीडियो क्लिप को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और थर्ड ऑप्शन है, हम उस पर अप्लाई करते हैं। इसमें हम कुछ डिफरेंट करेंगे, सो हम फर्स्ट पहले इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके अनलिंक कर देंगे। अनलिंक करने के बाद इसे सेलेक्ट करके ऑडियो को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हमें तीन वीडियोज़ ही चाहिए, हमारे पास तीन वीडियोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इफेक्ट्स के पैनल में यहाँ सर्च करेंगे रेडियल वाइप, RADIAL रेडियल वाइप, यहाँ ऑप्शन में आपको शो हो रहा है, ठीक है, रेडियल वाइप। अच्छा, रेडियल वाइप को हम अपनी वीडियो पे अप्लाई करेंगे, एक बार नहीं दो बार अप्लाई करेंगे, ठीक है, टू टाइम्स हम इसे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आपको रेडियल वाइप यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी, ठीक है, हमने दो रेडियल वाइप अप्लाई किए हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है रेडियल वाइप में हमारे पास ट्रांजिशन कम्प्लीशन, ठीक है। ट्रांजिशन कम्प्लीशन को हम कर देंगे 50%, ठीक है। अब ये जो हमारी स्क्रीन जो वीडियो थी वो स्प्लिट हो गई और इसका जो स्टार्ट एंगल है इसे हम चेंज करके 130 डिग्री कर देते हैं, ठीक। 130 डिग्री करने के बाद वाइप का सेंटर जो है इसे हमें एडजस्ट करना है। जो वाइप का सेंटर आ रहा है ये इसे कहते हैं, सो हम इसे एडजस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, सो लेफ्ट साइड की तरफ इसका स्पेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन कंपटीशन है, ट्रांजिशन कंपटीशन इसको भी हम 50% कर देंगे, ठीक है। और 50% करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट एंगल है, इस स्टार्ट एंगल को हम -50% करेंगे, ठीक है।
ताकि ये इस तरह एडजस्ट हो सके, मतलब हमें एक, एक कवर सा शो हो। इसके बाद जो इसका वाइब सेंटर है, इसे हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे, क्योंकि राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये राइट साइड का एरिया इसमें ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है, ताकि हमारी तीन वीडियोस है वो तीन की तीनों प्रॉपर चल सकें, ठीक है। आप जितना एरिया आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वीडियो क्लिप है, ये वाला वीडियो क्लिप, इस वीडियो क्लिप को स्केल साइज़ हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं इसका, ठीक है, आप जितना चाहें वो छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसे यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा साइज़ यहाँ से बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, 40%, ठीक है। 40% करने के बाद अब हम अपनी वीडियो को यहाँ इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 38% कर देते हैं, अच्छा। एक टाइम पे अगर ज़्यादा सीक्वेंस पे आप काम करेंगे ना, तो आपकी जो वैल्यूज़ है थोड़ी सी, मतलब सिस्टम जो है आप थोड़ा सा स्लो होगा आपका, क्योंकि इस वक्त मेरे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर्स ओपन हैं, सो इसी वजह से सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। इसी वैल्यू को हमें या मैन्युअली एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ का पार्ट भी देखना पड़ेगा कितना एरिया इसमें से क्रॉप हो रहा है, सो हमें इस चीज़ को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। या तो आप चाहें तो वाइप का एरिया जो है, वाइप का एरिया थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप अपने वीडियो क्लिप जो है आप उसे एडजस्ट कीजिए, इसकी वैल्यू हम 38% कर देते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम हमारी यहाँ एडजस्ट हो गई। उसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो है, मतलब ये वाली वीडियो, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, इसको भी अराउंड 40% ले लेते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली वैल्यू इसकी पुट कर दी है। अब हम राइट साइड की तरफ इसे ड्रैग करेंगे और सेकंड वैल्यू को लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। 40% बहुत छोटा हो गया इसका साइज, हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। इस तरीके से अपनी तीनों वीडियोस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ भी पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक पाथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पाथ हम फर्स्ट पॉइंट ऊपर ऐड करेंगे और फिर सेकंड पॉइंट हम नीचे ऐड करेंगे। पाथ सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन की जो जूम है उसे थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ताकि हम पाथ की सिलेक्शन काफ़ी दूर तक बना सकें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये एरिया कवर नहीं हो रहा वो एरिया भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। पाथ हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया, सो हम पाथ को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। इस पर आप अंडू भी कर सकते हैं इसमें से। कर रहा हूँ साथ में और दोबारा से सिलेक्शन भी ले रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और सिलेक्शन लेने के बाद अपनी सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर देना। कंप्लीट करने के बाद सिलेक्शन टूल लीजिए और जो हमारे पाथ का टाइमलाइन है उसे इसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है।
और अब अपनी स्क्रीन को फिट टू जूम कर दें और वीडियो को प्ले करें। सब जो हमारी वीडियो है वो तीन की तीनों वीडियो एक साथ प्ले हो रही है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।